हे गाइस, वेलकम बैक टू द कैनेडियन फीवर चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कैनेडियन फीवर के चैनल के ऊपर। आज की इस वीडियो के अंदर 23 जुलाई 2022 आईएलएस एग्जाम की फाइनल प्रेडिक्शन करने वाला हूं। तो आप सभी स्टूडेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हैं तो यकीन मानिए आपको और कोई प्रेडिक्शन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। और मैं आप सभी को वीडियो शुरू करने से पहले दो चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये जो भी प्रेडिक्शन रह रही है मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैं कोई भगवान नहीं हूँ जो मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूं आने वाले डेज़ को। ये जो मेरी ऑब्जर्वेशन है पिछले एग्ज़ाम को देखकर, उसको देखकर मैंने ये एग्ज़ाम प्रेडिक्ट कर रहा हूं और ये फाइनल प्रेडिक्शन है मेरी। इससे पहले जो मैंने एक पहले प्रेडिक्शन की थी, अब ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। जैसा कि मैंने इस वीडियो में आप सभी से वादा किया था कि एक फाइनल प्रेडिक्शन आएगी तो उसे मस्त जरूर देख लीजिएगा, तो यही वो वीडियो है। और आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस वीडियो के लास्ट के अंदर स्टूडेंट्स 2 या 3 आपको टास्क 1 एंड टास्क 2 देखने को मिलने वाले हैं, उसे मस्ट प्रिपेयर करके जाइएगा एग्ज़ाम से पहले ही। वो आपकी बहुत हेल्प करने वाली है, क्योंकि टास्क 1 एंड टास्क 2 का पैटर्न सिमिलर देखने को मिलने वाला है आपको एग्जाम के अंदर। अगर मैं बात करूं जो कि पेड मटेरियल मैं प्रोवाइड करता हूं जो रीडिंग के लिए अकेला है, तो अब मैं आप सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ कोई भी स्टूडेंट 23 जुलाई 2022 के लिए प्रेडिक्शन के लिए, पेड प्रेडिक्शन के लिए मुझे डीएम ना करें। पेड प्रेडिक्शन तो नहीं बेसिकली है, वो रीडिंग्स हैं, उसके लिए डीएम ना करें, क्योंकि आप उतने जो मैं रीडिंग्स प्रोवाइड करूँगा आप उसको फुल्ली प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे इतने शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर, क्योंकि उसके अंदर 140+ रीडिंग्स हैं और उन सभी रीडिंग्स का सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम से पहले। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मिनट स्टडी प्लान स्टडी मटेरियल लिखा हुआ था ना ही, अब आपके लिए स्टडी प्लान और स्टडी मटेरियल वर्क करने वाला है, क्योंकि आपने अगर शुरू में प्रैक्टिस नहीं की है तो अभी 2 दिन में प्रैक्टिस करने से आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाले। बट हाँ, राइटिंग टास्क मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ जो कि आप देख सकते हैं वीडियो के लास्ट में, उसे मस्ट प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगर वीडियो शुरू करने से पहले एक और चीज़ मैं मेंशन ज़रूर कर देना चाहता हूं, ताकि आप सभी को बच्चों के माइंड में ये बात क्लियर हो जाए, वीडियो को ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो इसके बेनिफिट सबसे पहले जल्द से जल्द समझ लीजिए क्या है बेनिफिट। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था, आज के टाइम में हम देख रहे हैं जो प्रीवियस एग्ज़ाम देखे हैं, तो एग्ज़ाम से पहले ही हमें राइटिंग टास्क 2 या कहूँ या फिर कहूँ रीडिंग एग्ज़ाम से पहले लीक्ड हो जा रही थी। अगर ऐसा इनकेस इस एग्ज़ाम 23 जुलाई को होता है तो सबसे पहले उसकी अपडेट आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। और सेकंड बेनिफिट बात करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करने का और बेल आइकन प्रेस करने का, कि ये है जैसे ही आप अपना एग्जाम देकर एग्जामिनर हॉल से वापस आएंगे विद इन हाफ या एक आवर के अंदर आपको हमारे चैनल के ऊपर रियल एग्जाम क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएंगे, प्लस इसके साथ साथ आपको इसके आंसर्स की भी देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपको हेल्प करेंगे अपने आंसर चेक करने के लिए आपने कितने आंसर करेक्ट किए हैं। और माइट भी अगर कोई आपका आंसर आपको गलत लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में डिस्कशन कर सकते हैं और भी स्टूडेंट्स के साथ जिनका 23 जुलाई को एग्जाम था। तो ये चीज़ मैंने क्लियर कर दी, उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को समझ आएगी। अब प्रेडिक्शन शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर रीडिंग की बात करूँ तो रीडिंग हमें इजी टू मॉडरेट देखने को मिलने वाली है, तो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। मॉडरेट क्यों कह रहा हूँ वो भी क्लियर करता हूँ। पैसेज 1 की बात करूँ, पैसेज 1 में हमें ट्रू फॉल्स एंड फिलअप्स देखने को मिलने वाले हैं जो कि ईजी लेवल होंगे। अगर सेकंड पैसेज की बात करूँ तो लिस्ट ऑफ हेडिंग एंड ब्लैंक्स देखने को मिल सकती है। अगर थर्ड पैसेज की बात करूँ, MCQ, येस नो एंड सर्च एंड मैचिंग आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, जो कि आपको मॉडरेट लेवल को देखने को मिलेंगे और ट्रिकी होंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ईजी टू मॉडरेट आ रही है तो आप अपना एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे, 6 बैंड नहीं ले पाएंगे। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी तरह हुई है तो आप इजीली अपने बैंड अचीव कर पाएंगे, क्योंकि ये 6 बैंड लाना कोई भी बहुत बड़ा काम नहीं है आइल्स के अंदर। अगर लिसनिंग की बात करूँ तो ये भी मॉडरेट लेवल की हो सकती है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर हमें MCQ सेकंड सेक्शन या थर्ड सेक्शन के अंदर देखने को मिल सकते हैं। GD के बच्चे की बात करूँ, GD के बच्चों के लिए भी ये एग्ज़ाम मॉडरेट होने वाला है, तो घबराइए मत, आप ईजिली अपने रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पाएंगे। ये मैं जो मॉडरेट लेवल बता रहा हूँ ये उन बेसिस पर बता रहा हूँ कि कोई एक ऐसा स्टूडेंट जो अपने मॉक टेस्ट के अंदर ही 6 बैंड अचीव नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए डेफिनेटली मॉडरेट एग्ज़ाम होने वाला है। अगर राइटिंग टास्क 1 की बात करूँ तो आपको टेबल बार पाई एंड मैप अच्छे से प्रिपेयर करके चले जाना है एग्ज़ाम के अंदर। अगर मैं मेंशन करूं तो लाइन भी ज़रूर से कर लीजिएगा, लाइन ग्राफ भी ज़रूर से कर लीजिएगा, इसके भी आने के चांसेस हो सकते हैं। अगर टास्क 2 की बात करूं, एग्री एंड डिसएग्री ओपिनियन ऐसे एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आपको अच्छे से प्रिपेयर करके चल जाना है, क्योंकि इनके एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस इस बार बन रहे हैं, तो मस्ट प्रिपेयर कर लीजिएगा। और वीडियो के लास्ट के अंदर आपको कुछ टास्क 1 एंड टास्क 2 दिए गए हैं एग्ज़ाम से, मस्ट पहले सॉल्व कर लीजिएगा। और मैं उम्मीद करूँगा सभी बच्चे अपना एग्ज़ाम अच्छा से करके हैं और जल्द से जल्द अपने डिसएडवांट अचीव करें और अपने ड्रीम कंट्री मूव कर दें। और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं फिर मिलूंगा आपके और ऐसी ही एजुकेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू स्टूडेंट्स।